भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम का चैनल, एक डाटा रिकवरी आईफोन एक्स का वीडियो आपके सामने है हमारे सर के द्वारा। यहाँ पर आईफोन एक्स का अपर बोर्ड का डाटा रिकवरी यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन केस है फ़ोन में, और जब ज़्यादातर ड्रॉप डाउन केस में जो पीसीबी डैमेज हो जाती हैं, कई हिस्से जो छोटे बारीक हिस्से होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उनको 80-90% बनाया नहीं जा पाता है। तो वहाँ पे हम डाटा रिकवरी यूज़ करते हैं कि कस्टमर की डाटा को रिकवर करके उसको लाइव बूट दे सकें। तो यहाँ पर भी सेम वही किया जा रहा है अपर बूट के साथ में। और ये आईफोन एक्स है, यहाँ A11 CPU लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा CPU, फिर इसका NAND हम इसको निकालते हुए आपको दिखाएंगे। तो ये अपर बोर्ड की स्वैपिंग है खाली। तो यहाँ पर कस्टमर को डाटा रिकवर करके दिया जा रहा है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एसर टेलीकॉम आईफोन की ट्रेनिंग दे रहा है, अगर आप लोग आईफोन की ट्रेनिंग चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए एसर टेलीकॉम। 15 फरवरी से हमारा बैच है, और यहाँ पर आईफोन में हमने दो कोर्स रखे हुए हैं, कोर्स 1 और कोर्स 2। कोर्स 1 में हम उन बच्चों के लिए हमने रखा हुआ है जो बेसिक्स, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने काम नहीं किया, जो नॉर्मली एंड्रॉयड भी नहीं जानते हैं, हमने कोर्स 1 उनके लिए रखा हुआ है। क्योंकि उसमें हम पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, पूरा कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें किस तरह से पहचाने, सेक्शंस आईफोन में ट्रेसिंग। इसलिए हमने कोर्स का ड्यूरेशन ज़्यादा रखा है, 15 दिन का कोर्स रखा है, सिर्फ बेसिक टू हार्ड एडवांस को लेकर। कोर्स 2 हमारा CPU लेवल का कोर्स है। अगर जो ऑलरेडी काम कर रहा है बेसिक टू एडवांस में, जिसको सारी चीज़ें आती हैं पर वो रैम नहीं निकाल पाता है, वो CPU को स्वैप नहीं कर पा रहा है, वो डाटा रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो वो CPU पर काम कर सकता है। तो कोर्स 2 सिर्फ CPU पे है। तो आप सोचिए, सिर्फ 15 दिन सिर्फ CPU पे है और रैम पे काम करेंगे तो आपकी स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी हमारे पास, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर आप जाओगे जब आप अपना काम करोगे। तो पहले CPU निकाला, अभी आपने देखा कि NAND निकाली है। तो क्योंकि अपर बोर्ड है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप अगर फ्रेशर हैं, आप आईफोन में आना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आईफोन में मार्केट में पैसे हैं या बहुत से लोग कर नहीं पा रहे, तो आप हमारे पास आइए और ये कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि 15 दिन बहुत होते हैं आपको बेसिक टू हार्डवेयर सिखाने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पर CPU नहीं सिखाएंगे आपको, बेसिक टू हार्डवेयर आपको सिखाएंगे। तो काफ़ी एक अच्छी टेक्निक हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, फुल प्रैक्टिकल होगा, और पूरा यहाँ पर जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ इंडियन नहीं होगी, वो चाइनीज़ भी होगी, और वो USA की मेथड में आपको यहाँ पर यूज़ आपको दूंगा मैं। जो USA की जो टेक्निक हो सकती है, जो विदेशी टेक्निक हो सकती है, सिर्फ चाइना ही अच्छा नहीं है, और भी बहुत से इंडिया में, दुनिया में अच्छे हैं, तो वो भी मेथड मैं आपको यहाँ दूंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ, क्योंकि आपको जो यहाँ मिलेगा इजीली तरीके से समझाना, देसी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ों को स्कीमेटिक तरीके से आपको मैं बताऊंगा। सर्किट सप्लाई हो गई, कहाँ किधर क्या वोल्टेज होते हैं, लीकेज के टाइम पे क्या चेक करना है, हाफ स्टार्टिंग, और अगर हमें किसी का फॉल्ट आ रहा है कैसे हम उसको डिटेक्ट करें। सिर्फ यूट्यूब नहीं चल रहा है आईफोन में, इंटरनेट बस नहीं चल रहा है, तो किसका डायरेक्ट फॉल्ट होगा। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से केसेस आते हैं लोगों पे स्टक हो जाना, और उसके कई कारण होते हैं दोस्तों, कई कारण। वाईफाई भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, मतलब कई कारण हो सकते हैं, यूट्यूब भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर हम अगर अच्छी तरीके से हम देखें, यहाँ पे आपको डाटा बहुत कमाल का मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, आईफोन में हम जो डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं वो स्टूडेंट के लिए है, जिसमें उसको डायरेक्ट सोल्यूशंस मिलेंगे, यहाँ पर काम करने में उसको बहुत मज़ा आएगा। जो छोटी पावर आईसी हो गई, ऑडियो माइक्रो जम्पर हो गए, स्क्रैचिंग हो गई, स्क्रू होल हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। जो यहाँ पे डोनर बोर्ड है हम आपको देंगे, iCloud जो डोनर बोर्ड हम आपको यहाँ पे देंगे, लाइव बोर्ड हम आपको यहाँ पे देंगे, और ताकि आपको लाइव करने में अच्छा लगे, आप चालू बोर्ड से पावर को निकाल के वापस लगा के चालू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर आप अपने फॉल्टी मोबाइल ला सकते हैं, 10 फॉल्टी मोबाइल आप लेके आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से फॉल्ट बनाए, उस फ़ोन को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर किया जाएगा आपके लिए। जो भी अगर IC का यूज़ होता है तो सिर्फ वो IC का ही कॉस्ट लिया जाता है, हमारे वैसे भी EMC में भी हम यही करते हैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेते हैं और आईसी का ही यूज़, सिर्फ आईसी का पैसा हम अपने स्टूडेंट से चार्ज करते हैं अगर इन शॉर्ट आईसी का लगा तो। देखिए फर्स्ट टाइम सीपीयू को यहाँ पर रिवॉल्व किया हुआ है जैसे कि आपने देखा, और सारी जो आईसीयां लगी हुई हैं फिल्टर आईसी, ये सारी आईसीयां आपको दिख रही होंगी। अब ये बोर्ड में इसको सीपीयू को लगाया, अभी बोर्ड में नैंड को अभी माउंट कर रहे हैं सर। सो यहाँ पर किस तरीके से क्या टूल्स यूज़ करने हैं, ये बहुत ही एडवांस हमने लैब रखी हुई है, इसको बहुत जल्द में आपको वीडियो में आपको लैब तो आपने देखी होगी। यहाँ पर हमने बहुत ही हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं, हमारी जो मशीन्स है SMDs हो गई। दोस्तों आईफोन एक अलग सेगमेंट है, यहाँ पर आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि 2-2.5 हज़ार रुपये की आप SMD से आप आईफोन की PCB पे काम करें, क्योंकि ये कत्ल है आपके फ़ोन का, ये मर्डर है आपके फ़ोन का, मतलब आप अपने फ़ोन का डायरेक्ट मर्डर कर रहे हैं। और क्योंकि ये कोई रोड पे बैठने वाले आयरन पकड़ने वाले लोगों का काम नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। अगर आपको वाकई में सीखना है तो आपको, आप अगर इतना क्वालिटी वाला फ़ोन उठा रहे हैं तो आपको क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए टूल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टूल्स। आप भी मेरी बातों से राबता हो रहे होंगे आई थिंक। इसमें आपको पता है दोस्तों, जब जंग लड़ने जाते हैं तो अगर आपके पास में हम खाली कट्टे वाली गन दे दें तो आप क्या, आपको क्या लगता है आप कितने लोगों को मार देंगे? जब तक आप दूसरी चलाएंगे तब तक तो 10 गोली आपको लग जाएगी। आपको भी पता है टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, जो हाई क्वालिटी टूल है, अब जब तक आपको वो देखने नहीं मिलेंगे, फिर आप किसी इंस्टीट्यूट आए, आपको पता ही नहीं चला कि ये टूल भी होता है, तो आपको इंस्टीट्यूट का कोई मतलब ही नहीं निकला। इंस्टीट्यूट वाले खुद ही वो टूल नहीं रखते हैं, आधे 90% इंस्टीट्यूटों में टूल्स नहीं हो पाते हैं अच्छे से, और वो उनके एडवांस टूल नहीं होते, तो स्टूडेंट को देखेगा क्या, मिलेगा क्या स्टूडेंट को, आप भी ये समझे। इससे टेलीकॉम में एडवांस लैब है, हमारी हार्डवेयर और जो हमारे सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, हमारे पास वहाँ पर 52 स्टूडेंट की लैब है हमारे पास, और हर एक के एक पर्सनल SMD के साथ में एक लैब है हमारी वहाँ पर। माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो हमारे पास में EMMC को लेकर हमारे 15 माइक्रोस्कोप की हमारी EMMC को लैब है, और हमारे अब आईफोन में जो हमने अपने 15 स्टूडेंट की लैब तैयार की है, और बहुत ही एडवांस लेवल पे, जिसमें हम CNC मशीन को भी आपको ट्रेन करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वो डाटा रिकवरी के बाद जो फाइनल हमें यहाँ पर आपको लाइव इस हैंडसेट को दिखाते हुए आई पावर मैक्स का यूज किया है यहाँ पर। कोशिश होती है कि शुरू से एंड तक बताएं, पर वीडियो बहुत लंबा होता है, बहुत बार आते हैं कि वीडियो इतना कोई देखता नहीं है, इसलिए वीडियो को थोड़ी शॉर्ट में बनाते हैं। ये सब स्किल की बातें हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो टीचर है उनको स्किल, उनको करना आता है कि नहीं आता है, उनको उतना अनुभव हो। देखिए जैसे तो देखिए लोगों पे आ चुका है फोन, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए इसे टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे इसी तरह चैनल से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फातिमा एशिया टेलीकॉम से, और मेरे साथ है देव सर और फिरोज सर। तो जो हमारी 15 फरवरी से न्यू आईफोन की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं देव सर और फिरोज सर से करूंगी। तो ये बताइए, जो हमारी न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली आईफोन में, तो इसमें क्या खास है? मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं और जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप पहले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बहुत सारी चीज़ें। क्या खास है, बहुत एक अच्छा सवाल है। तो ये खास हम दे रहे हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है और जो सिलेबस है हमारा और जो टाइमिंग है, वो सबसे खास है जो हमने इस तरीके से इंडिया में जो हमने रखा है, वो आज तक किसी ने नहीं रखा है। सो ये हम आपको अपने अगले सवाल में बताएंगे। मैडम सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताइए।
बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाना पड़ता है, ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो क्या है प्रोफेसर? सर ये जो हमारे जो अभी आईफोन का कोर्स शुरू होने वाला है, तो इसके बारे में स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आपका फीस कितना है, आपका कोर्स का सिलेबस में क्या सिलेबस आप देने वाले हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका बैक सपोर्ट क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट के आए हैं, तो हम उसी के रिलेटेड आज ये वीडियो बना रहे हैं और आपके सारे सवाल के यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि मैडम ने पूछा फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आपको क्वारीज आती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईफोन में हमारी जो फीस है सबसे कम है। एक बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, जितना भी इंडिया में अदर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, तो आपको जो है वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिलेगा उससे बहुत कम है। हमने अपने कोर्स को दो भागों में डिवाइड किया है, एक कोर्स वन जिसमें हम बेसिक टू एडवांस हम बताते हैं, और एक कोर्स जिसमें हम सीपीयू लेवल का हम उसमें बताएंगे, एक और हम बताएंगे जिसमें दोनों कोर्सों को अगर किसी स्टूडेंट को करना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोर्स वन है बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम सारा आईफोन के स्कीमेटिक से लेकर उनकी छोटी आईसी से लेकर सारी चीज जो न्यू है, जो नए लोग हैं, वो उसमें हम जो बताएंगे वो 45,000 है, जो 15 दिन का हमारा ड्यूरेशन होगा उसके पर भी मैं आपको बात करूंगा। और जो हमारा सीपीयू लेवल पे है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फिरोज सर को बताइए किस तरह का सीपीयू लेवल का अगर कोई डायरेक्ट क्लास करना चाहे। जी सर, ये सीपी लेवल का कोर्स उस स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी 4-5 साल से काम कर रहा है और जो आके अटक जाता है कहाँ पर, जहाँ पर आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है या रैम को निकाल के लगाना है या स्वाइपिंग करना है, तो आईसी लेवल का काम जो नहीं कर पा रहे उनके लिए हमारा ये कोर्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ 7 के ऊपर, जैसे कि आपको पता 8 के ऊपर 7-8 में जितनी भी जो रैम है वो हमें सीपीयू के अंदर लगा दी गई है, उसको स्क्रैचिंग करके जो उसको निकालना होता है। मान लीजिए अगर एक रैम का प्रॉब्लम आ गया, सपोज किसी डीलर ने या जो मैं बोलूं कि किसी दुकान वाले ने गलत तरीके से कोई ऐसी एक आईसी लगा दी जिसमें रैम का एसडी रैम के साथ कुछ इस सप्लाई जुड़ी हुई है, अगर उस पर गलती से 1.8 की जगह कुछ और वोल्ट चले गए तो रैम शॉर्ट हो जाएगी। सो उस टाइम पे जो डाटा है जो कस्टमर का वो मेन होता है और वो फिर निकल नहीं पाता है, तो उस टाइम पे वो जो स्वैपिंग करते हैं लोग, स्वैपिंग करने के लिए फिर रैम निकालो या सीपीयू निकालो, तो फिर वो बंद नहीं पाता है उस टाइम पे, या तो रैम चेंज करना आ नहीं पाता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो सीपीयू की क्लासेस है, सिर्फ इसमें ये नहीं बताएंगे कि सिर्फ सीपीयू निकालना लगाना, सिर्फ ये जरूर बताएंगे कि रैम पर सेफली मैटर से कैसे हम निकालें, कैसे हीट को रखें, कितना टेम्परेचर पर रखें, सारी चीजें, कौन कौन से टूल्स हम यूज करें, प्लस इसमें हम 3 out of 5 की गारंटी हम आपको देंगे जो फिरोज सर आपको बताएंगे। हमारे यहाँ पे जो कोर्स हो रहा है अभी, इसमें आप एक 10 सेट अपने ला सकते हैं, जिसके अंदर हम 3 में आपको स्वाइपिंग बताएंगे 8 से लेके 12 तक, जिसका सीपीयू और रैम दोनों आपसे, और खास बात यह है कि आपसे ही करवाएंगे उसमें 3 में। बिल्कुल, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के बाद में लाइव बोर्ड हम ही देंगे यहाँ पर, डोनर बोर्ड भी हम देंगे यहाँ पर, और जो कि फीस के अंदर ही है 45,000, जो कि सबसे कम है। जैसे सपोज अगर कोई सिर्फ सीपीयू करना चाहता है तो 15 दिन का कोर्स है जिसमें 10 से 11 घंटे की क्लासेस हैं। और एक बात और खास मैं बता दूं कि यहां पर अगर आप एक बार कोर्स करते हो और कुछ डाउट रहता है या नहीं बन पाता है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी क्या कर सकता है फिरोज, वापस आ सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी वापस आप आ सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करने के बाद। सो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं मैडम। सर आईफोन के सिलेबस के बारे में हमें बताइए और इसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी, इस बारे में भी बताएं। देखिए आईफोन के जो सिलेबस पे मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि देखिए जैसे मैंने बताया दो कोर्स मैंने बोले, एक हो गया बेसिक टू एडवांस और एक हो गया सीपीयू लेवल। फिर सर बताएं बेसिक टू एडवांस किन लोगों के लिए है, किन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए? सर बेसिक उस स्टूडेंट को करना चाहिए जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो अगर वो डायरेक्ट सीपी लेवल पे जाता है तो वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है। यहाँ पे वो आईसी रिवॉल्व तो कर लेगा या स्वाइपिंग तो कर लेगा, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब वो फॉल्ट ही नहीं फाइंड कर पा रहा है तो वो मोबाइल नहीं बना पाएगा, वो कस्टमर को रिटर्न दे देगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारा जो पहले वाला कोर्स है, जो कोर्स वन है, वो हर स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, जिसको चाहे वो ZXW से आपको ढूंढना हो या वूजिंग से आपको ट्रेस करना है, ये नहीं बल्कि हम बहुत सारी चीजें इसमें ट्रिक और टिप्स बताएंगे। हाँ, छोटी छोटी आईसी है कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, क्योंकि सिर्फ पत्रा निकालने में ही लोग सेट डेड कर देते हैं, छोटी आईसी निकालने में डेड कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को बेसिक कोर्स करना चाहिए। सर हम यहाँ पर सिर्फ डेड मोबाइल में आपको चार्जिंग आईसी ऑडियो आईसी निकलवाना नहीं बताएंगे, हम चालू मोबाइल में आपको ऑन मोबाइल में जिसमें चार्ज हो रहा है उसकी U2 निकलवा कर हम ZXW से बताएंगे किस तरह से GR चेक करें, हम वूजिंग से बताएंगे किस तरह से उस पर वोल्टेज चेक करें, कौन सी I2C कौन सी I2S लाइन, कौन सा SDRAM, क्या SDA, क्या SCL, क्या सप्लाइयां होती है। सो ये सारी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे किस तरह से चेक करें इंटरली, लेयर 1 लेयर 2 लेयर्स या लेयर्स
6 या लेयर 7, किस तरह से स्क्रैचिंग करें बोर्ड में, स्क्रू होल हम इसमें बताएंगे, हम इसमें बहुत तरह तरह की चीजें आपको, एरर्स हो गए इसमें, जो एरर 9 हो गया या एरर 413 हो गया, 440 हो गया, 14 एरर हो गया, जो आईफोन पे एरर आता है वो तक हम आपको बताएंगे। और उसमें हम जेसी प्रो का यूज करेंगे, हम आपको जेसी प्रो सिखाएंगे, हम आपको आईपी से, हम आपको WL से, हम उसको प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे, किस तरह से NAND को अपग्रेड करना है। अगर आपका अगर आप 64 GB का है, अगर आपको 256 करना है तो अपग्रेड हम आपको बताएंगे, और बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें है। तो मैं आपको इसके साथ में एक पेज में आपको डालूंगा साथ में, और लिंक आपके नीचे रहेगी, आपको लिंक में मिल जाएगा हमारा पूरा कोर्स का डिटेल। बाकी आप जब कॉल करेंगे तो आपको फातिमा मैडम सारी चीजें डिटेलिंग से बताएंगी, बहुत आराम से बताएंगी एक एक चीज। सो एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कोर्स 1 है ये ऐसे स्टूडेंट को देख के रखा गया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कहीं और भी हमने देखा है कि वो जाके कहीं और से आईफोन की ट्रेनिंग लिए हैं और उसके बाद है ना सर बस सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, स्वाइपिंग करते हैं, लेकिन उनको फॉल्ट फाइंडिंग है या फिर ट्रेसिंग है, सप्लाई की नॉलेज है, हाँ डीपी लेवल पे वो नहीं कर पा रहा है। ये 2 दिन आपको से बता देंगे और वो बोल देंगे कि प्रैक्टिस करो, हाँ, हो जाएगा। क्योंकि स्वाइपिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो कंपोनेंट रिलेटेड है, आपको सप्लाई है या फिर ट्रेसिंग है, इससे फॉल्ट फाइंड करके वो सेट बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी एक उनके लिए अच्छा ऑफर है, वो जरूर ज्वाइन करें। मैं खास तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो अगर दोनों करना चाहता है तो उसके लिए एक पहले हम 15 दिन आपको देंगे कोर्स 1, फिर बाद में हम दूसरे 15 दिन बुलाएंगे और कोर्स 2 देंगे। इसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैडम ने पहला सवाल किया था क्या खास है, फिर सर बताइए इसके पीछे क्या कारण है। सर खास ये है कि सर जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट की हमेशा से ये खासियत रही है कि हम स्टूडेंट से ही करवाते हैं, जो भी आईसी रिबॉलिंग है या फिर जो भी फॉल्ट फाइंड, हम पहले उनको बताते हैं कि कैसे उनको हाँ पूरा आप लोग को दिखाते भी हैं, पूरा प्रैक्टिकली कराते हैं, ये सबसे खास बात है। और इसके बारे में सर और भी बताएंगे इसके क्या खास है। मैं आपको बता दूं खास क्या है कि क्या होता है दोस्तों कि आप इंडिया में कितना भी ले लो, 20 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, 25 दिन का कोर्स, 30 दिन का, एक बार में वन टाइम आकर आप सीपीयू भी करना चाहते हो और आप बेसिक भी करना चाहते हो तो ये नहीं हो पाता है, पूरा मिक्स हो जाता है और फिर बाद में स्टूडेंट नहीं कर पाता है और फिर इंस्टीट्यूट का लेवल जीरो करता है कि यार दुकानों में बैठ लो तो ज्यादा अच्छा है। सो मैं आपको बता दूं, इसलिए हमने 15 दिन का पहला कोर्स रखा है कि पहला बेसिक टू एडवांस सीख के जाओ पूरा, फिर आपका जो है नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू लेवल पे आओगे तब आपको कोई भी फीस नहीं देनी है और आपको हमारे पास आना है, जबकि हमारे यहां रहने का और खाने का सबसे मिनिमम चार्जेस है, मतलब आपको दिन का सिर्फ ₹200 चार्ज लगेगा, अगर बाकियों की तुलना में 500, 800 या 1000 रुपए लगता है, आपको यहां पर ₹200 चार्ज लगेगा और आपको इंस्टीट्यूट से भी अलावा दूसरी जगह पर कहीं नहीं जाना है। सो आप यहां पर आएंगे, आप अपना बेसिक टू एडवांस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी लगेगा कि आप क्या सीखे हैं, फिर आप उसके बाद आप सीपीयू लेवल करेंगे, अगर आप मिक्सर कर लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। बेसिक करने के बाद सर वो जब जाके काम करेंगे तो उनको फिर लगेगा कि हम किस लेवल तक पहुंचे हैं और उसके बाद कहां अटक रहे हैं, वो वापस से आके उसके बाद से वो क्लियर कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं मैडम। सर ये बताइए क्या स्टूडेंट अपने साथ रिपेयरिंग के लिए हैंडसेट ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने सवाल किया है, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ स्पीच को लोग डरते हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे अपनी लाइफ में कि मैं उनसे बोलता है कि हम स्टूडेंट से 10 मोबाइल मंगवाएंगे तो बोलते थे नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो अगर स्टूडेंट मोबाइल बनाने बैठ जाएगा तो हम उसको सिखा नहीं पाएंगे। सो मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर 10 फॉल्टी मोबाइल आप ला सकते हो, अगर आप बेसिक टू एडवांस वाले हो सो बेसिक टू एडवांस वाले ही आप फॉल्ट लाए, आप सीपीयू लेवल के हो तो बिल्कुल वो फॉल्ट लाए जिसमें सीपीयू पर हीट लगा हुआ है, तो जिस तरीके से सीपीयू बचा है तो कुछ भी किया जा सकता है, सीपीयू बचा है तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वैपिंग आपको सिखा देंगे, कुछ भी फॉल्ट आप लाएंगे, पर ये हम आपको पहले हम खुद ट्रेन करेंगे और उसी मोबाइल पे आपको खड़े होकर और उसी प्रकार हम स्टूडेंट से ही करवाएंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ पहले मैंने यहाँ पे इन्हीं के लाइव बोर्ड में किया, हाँ अब मैं अपने बोर्ड में कर रहा हूं। सो लोगों को लगेगा कि अलग अलग मोबाइल जो स्टूडेंट लाएंगे तो उससे 100 प्रकार के फॉल्ट मिलेंगे उनको। फिर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हमने 10 मोबाइल का लाने को बोला है क्या ये बाकी में इंस्टीट्यूट कर पाते हैं क्या ऐसे अपने साथ? नहीं सर, अगर स्टूडेंट बोलता है कि हम कुछ सेट लेकर आएंगे आपके पास तो क्या आप वो रिपेयर करके बताएंगे तो दूसरे इंस्टीट्यूट में हो सकता है ऐसा बोल दे कि नहीं मत लाना, हम बस यहाँ पे थ्योरी बताएंगे आपको कैसे करना है लेकिन करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप हमारे एशिया टेलीकॉम के चैनल पे ऑलरेडी देखते हैं कि
हर दो दिन में एक वीडियो आता है जहाँ पर स्टूडेंट खुद अपने हाथ से करते हैं, हम जबकि बोलते भी हैं ईएमसी में, तो हम बोलते भी हैं उनसे, उन्हीं से करवाते हैं। और हमारा हर महीने में दो वीडियो ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट का लाइव वीडियो होता है ईएमसी के अंदर। इसी तरह से आपको आईफोन में भी मिलेगा कि स्टूडेंट अपने हाथ से पूरा, उसमें कुछ कट नहीं किया जाएगा, पूरा स्टूडेंट ही करेगा उसमें भी। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है, थोड़ा सा इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि इससे आपसे सारी क्लियरिटी दूर होगी। मैडम नेक्स्ट सवाल क्या है? सर मैं फिरोज सर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो स्वैपिंग है ये तो सभी सिखाते हैं, लेकिन जो फॉल्ट फाइंडिंग है इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस बारे में कुछ बताइए। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट पे और कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मोबाइल के अंदर, जब एंड्रॉयड में भी देखा है और आईफोन में भी देखा गया है कि जब मोबाइल उनके पास डेड मोबाइल आता है या फिर फुल शॉट या हाफ शॉट या लीकेज कोई भी कंडीशन में आता है, तो वो लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनको सप्लाई और ट्रेसिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वाइपिंग तो सीख जाते हैं, ऐसी रिवॉल्व कर लेते हैं या सीपीयू ईएमसी निकाल के लगा लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग में। मोबाइल के अंदर एक कैपेसिटर या फिर एक रजिस्टर से ही मोबाइल डेड हो सकता है, तो ये उनको प्रॉपर यहाँ पे हम आईफोन के अंदर बताएंगे कि कैसे आपको प्रॉपर आपको सप्लाई, चाहे सप्लाई की नॉलेज हो, चाहे ट्रेसिंग हो, चाहे फॉल्ट फाइंड करना हो, बहुत सारी स्पेशल स्पेशल ट्रिक्स आपको मिलेगी और हमारे जो यहाँ पे ट्रेनर है उनके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीपीयू लेवल के अगर आप कोर्स करते हैं, थोड़ा पास आओ तार नीचे, यहाँ पर जो सीपीयू लेवल का आप कोर्स करते हैं कि हम जल्दबाजी में कोर्स आपको नहीं कराना चाहते कि तीन दो दिन के अंदर सारे सीपीयू सिखाना है, फिर तीन दिन के अंदर स्कीमेटिक सिखाना है, ऐसा या पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप एक A8 सीपीयू को, हर बच्चा A10 सीपीयू को एक बार रिवॉल्व करके लगा के चालू ना कर ले एक लाइव मोबाइल में, उसके बाद में वो लेवल बढ़ता है उनका कि उसके बाद फिर उनको दूसरे बोर्ड और तीसरे बोर्ड देने की इच्छा होती है, बिल्कुल। और यही चीज वो 5 दिन 10 दिन और 15 दिन में करेगा और जब वो घर जाके करेगा तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। यही चीज अगर मैं आपको कहूं कि स्कीमेटिक हो गया, ये फॉल्ट सप्लाई हो गई, इसको भी 5 दिनों में समझाया नहीं जा सकता। ये भी नहीं है कि हम आपको 24 घंटे बिठा दे क्लास में, कई ऐसा देखा गया है कि 12 से ज्यादा आधे से ज्यादा घंटे दे देते हैं, तो एक कार्य क्षमता की भी एक सीमा होती है जो एक समय सीमा के ऊपर क्या होता है दिमाग से निकलने लगता है चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम नेक्स्ट सवाल क्या है? सही बताइए कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को क्या सपोर्ट दिया जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। इस सवाल का सबसे पहले आंसर मैं फिरोज सर से लूंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट क्या मिलेगा और सपोर्ट में क्या रहेगा, बताइए फिरोज सर। सर यहाँ पे आप जब कोर्स करके जाओगे, यहाँ पर सपोर्ट के लिए हमने स्पेशली इस पर बहुत सारी चर्चा की है और हमने ये सोचा है कि स्टूडेंट यहाँ पे जब तक कोर्स करता है तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन जाने के बाद कहीं ना कहीं वो जरूर अटकेगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरा जाके प्रॉपर काम करेगा। तो जब भी वो अटकेगा तो हमारे यहाँ पर हमने सोचा है कि चाहे टीम व्यूवर हो या व्हाट्सअप हो या फिर हमसे कॉल करके भी, यानी जैसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और स्पेशल ये है कि वो वापस दोबारा आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है, जिसकी हम वापस से उससे फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको समय देंगे, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कल आ जाए, हम उसको बताएंगे, हम उसके समय से भी हम खड़े उतरेंगे और अपने समय पे भी, ताकि हमारे ट्रेनर भी उपलब्ध हो और उनको सही चीज मिल जाए। अगर वो चाहता है कि सर मैं पूरा कोर्स फिर से करना चाहता हूं, तो बिना कोई फीस के वो बिल्कुल वापस आ सकता है, और सपोर्ट इसके ऊपर कोई कुछ दे ही नहीं रहा है जो आपको यहां मिलेगा बहुत कम फीस में। दोस्तों 45,000 आपको 75,000 रुपए में, 75,000 रुपए में, 65,000 रुपए में आपको 15 दिन 20 दिन 25 दिन पढ़ाया जा रहा होगा, पर आप ये सोचिए कि एक महीने में आप पूरा एक साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोई एज अ एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इनके इंस्टीट्यूट में आया हूँ और इन्होंने मुझे फीस बताई 55,000, मैं गया 55,000 में जैसे तैसे जोड़ करके लिया, पर बाद में मैं ये पता नहीं कर पाता हूँ कि मैं रहने का कितना चार्ज लगेगा, खाने का कितना चार्ज लगेगा, क्योंकि वही चीज 10-15 हज़ार तक पहुंच जाती है। तो फिर उसके बाद में टूल्स पे पता चला, बोर्ड, फिर इतनी चीज वो 90,000 और 1 लाख तक मामला चला ही जाता है। सो हमने ये फीस इसलिए कम नहीं की है क्योंकि हम नए हैं और हम ऐसा कुछ करें, हमने फीस इसलिए कम की है क्योंकि हमारे भी पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे कह के जाते थे कि सर जब भी आप आईफोन चालू करेंगे तो हम आप ही के पास आएंगे, बहुत सारे हैं अभी भी कमेंट करते हैं। सो हमने इसलिए फीस कम की है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
जो उनके लिए 45,000 अफोर्ड करना एक इजी हो जाता है रेदर आपका 60-65-70 अफोर्ड करने के बराबर। इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगा सर मैं कि ये सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है। पहले तो हम क्यों जरूरत पड़ रही है ये बहुत बड़ी सवाल। हम पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसा स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और हमारे हिसाब से हमारा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जिनको जो कि बिल्कुल फ्रेशर होते हैं या जिसको ज्यादा समझ नहीं आता है ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं कम समय देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये रखें कि वापस दोबारा आए और उसकी फीस नेगेटिव ना हो और वो जो फीस पे किए हैं जो कॉन्फिडेंस से आए थे वो उनका जो कॉन्फिडेंस रहे वो बना रहे और वापस दोबारा आए और वो वापस से अच्छे से काम करें। बहुत यूजर फ्रेंडली हम यहाँ का माहौल रखे हैं और जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा जो हमारे ट्रेनर हैं सैयद सर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छा सॉफ्ट नेचर है उनका जिस आप मिलोगे। सो आप मेरा नाम चेंज कर देना कि अगर आप उनके साथ अपनी फोटो अपने घर पे ना लगाओ तो। सो मैडम नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा सर ट्रेनर के बारे में बताइए उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस है ये थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट को। तो ये जैसे कि मैंने ट्रेनर की बात की और मैडम ने ट्रेनर का ही सवाल ले लिया। दोस्तों मैंने आपको बताया हमारे सैयद सर जो हैं वो 15 साल के एक्सपीरियंस है। अब आप कहेंगे सर आईफोन तो 6 साल से तो जब से आईफोन 3S आया है ना वो तब से आईफोन का 3S से ही आईफोन पे सीपीयू पे काम कर रहे हैं। 4S की बात करें 5 की बात करें 5S 5C या हम करें 6 की बात वो आईफोन XR और यहां तक उनका जो एक्सपीरियंस है उनकी जो कार्य क्षमता है वो प्रणाली सबसे अलग है। वो हमेशा सीखने में बिलीव करते हैं और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैं अपडेट हूं और अपने लोगों को अपडेट करूं। उनके सिखाने का तरीका काफी अच्छा है काफी फ्रेंडली तरीका है और काफी आसानी से वो समझ में आ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकली जैसे कई लोग होते हैं जो टेक्निकली चीजों को भूल जाते हैं जो डायग्राम्स बता देंगे लिखा देंगे पर आधे स्टूडेंट हाँ करते रह जाते हैं पर दिमाग में पहुंचता नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जो 4 बार पूछने पर 5 बार पूछेंगे तो डांट देते हैं कि 12 बार मत पूछो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है वो। तो उनके साथ आप जब आप सीखेंगे आपने देखा उनके साथ बहुत सारे मैं काम शेयर करने वाला हूँ। मेरे फेसबुक में आप आइए देवधन अग्रवाल मेरा सर्च कीजिए शेख फिरोज आप सर्च कीजिए दुर्गेश कुमार सोनी हमारे जो हमारे टीचर हैं उनके आप सर्च कीजिए मेरे एशिया टेलीकॉम में सर्च कीजिए देवधन अग्रवाल में सर्च कीजिए स्मार्ट टेलीकॉम 1 फिरोज टेक्निकल फिरोज ये सब यूट्यूब चैनल है हमारे स्मार्ट टेलीकॉम जो ये यूट्यूब में जाइए लिखिए ये सब सर्च कीजिए और देखिएगा कि आपको बहुत सारे वीडियो और अपडेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। सैयद सर के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं उनसे 1 घंटे के लिए कुछ मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वो तब से काम कर रहे हैं जब से नोकिया का जो हैंडसेट था जिसमें ब्लैक पेस्टेड आईसी आता था और तो उस लोग उस टाइम पे हाँ, समझते थे कि वो होती ही नहीं है निकलती नहीं है तो उस टाइम पे वो ब्लैक पेस्टेड आईसी रिमूव करते थे उसके अंदर माइक्रो जम्परिंग हो या फिर नोकिया के अंदर कुछ ऐसे हैंडसेट थे जिसके अंदर से रैम भी अलग से होता था तो उस टाइम पे रैम पे वो काम किए हैं और वो इतने सॉफ्ट नेचर के हैं बात करने में बहुत अच्छे है बहुत ही सॉफ्ट नेचर के बहुत अच्छा बात करने वाले इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा उनसे सीखने को मिलेगा। और आप आएंगे विजिट करेंगे विजिट करने का एक मैं कारण बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों एशिया टेलीकॉम को चुने क्योंकि हमारी फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है हम सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं हम आपको एनी टाइम विजिट का मौका दे रहे हैं हम आपको गारंटी दे रहे हैं 5 out of 3 शॉपिंग हम आपको हर तरह की गारंटी दे रहे हैं कि यहां से जाओगे तो आप सीख के ही जाओगे और निगेटिव होने का हम सवाल ही पैदा नहीं होने देंगे क्योंकि अगर नहीं सीखे तो हम वापस खुद बुला लेंगे आपको। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपका ये आई होप कि आपको इस वीडियो से सब कुछ पता चले और जो हमारा एक मोटिव था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं रहता है वो लोग सोचते हैं कि क्या इनकी फीस है कितनी क्यों रखी इन्होंने इतनी फीस और क्या इनका स्ट्रक्चर है क्या क्या हम उसमें सिखाएंगे बहुत सारी चीजें जो है वो मैं बोल नहीं पाया हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। सो वो सारी चीजें आपको नीचे मिल जाएंगी लिंक में आप जाइएगा तो 1 click में आपको हमारा सारा वॉल पेपर और सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप कॉल कीजिए 12 और 5 बजे के बीच में Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.